और यहाँ के बारे में बताइए, कैसा बनाते हैं चाची चिकन? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़िया बनाते हैं, बहुत बढ़िया। कब से जो है यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं चाचा, कितना साल हो गया? बहुत दिन से हो गया। बहुत दिन से? और कौन कौन दिन बैठते हैं? शनिचर। और बाल बुतरु है घर में? चार गो। चार गो, तो फिर आराम नहीं करना चाहिए। अच्छा एक बात पूछे चाचा, 70 साल तो कम से कम उम्र होगा आपका? अगले साल 69 साल था। तो इस साल 70 नहीं हो गया? और अब इसमें डाल रहे चाचा धनिया का पत्ता, मतलब ये चिकन हो चुका है अपना लगभग बनकर रेडी। थोड़ा रेट बताइए चाचा, क्या रेट लेते हैं भुनने का कोई चिकन लेके आता है तो? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एक नए वीडियो में। तो गाइस आज हम आपको लेकर आ चुके हैं रांची शहर के बीचों बीच रेलवे स्टेशन के बगल में एक दादा दादी के पास, जिनका उम्र लगभग 70 से ऊपर है और वो बिल्कुल देसी तरीके से लकड़ी के आँच पे ईंट के चूल्हे पे भूंज भांज कर खिलाती है मुर्गा मछली मटन। और हमने सुन रखा है कि उनका बनाने का तरीका देसी होने के साथ साथ स्वाद भी बड़ा जबरदस्त होता है और रेट भी काफी ज्यादा वाजिब है। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं उनकी पूरी रेसिपी, करने वाले हैं टेस्ट, लेकिन उससे पहले इस जगह के बारे में जान लेते हैं जहां अभी हम खड़े हैं। इस जगह को BIT बोला जाता है। मेरे पीछे जो आप ये रेलवे स्टेशन देख रहे हो इसका नाम है BIT मिश्रा। और भाई साहब यहाँ से ना मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूरी पे होगा BIT कॉलेज। तो यहाँ पे जो है आपको पहुंचने में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। साथ ही साथ हम देंगे आपको गूगल मैप का लिंक, जिस पर आप क्लिक करके बहुत आसान तरीके से यहाँ पे पहुंच सकते हैं। तो गई जी यहाँ पे पहुंचना कैसे है वो हमने बताया, और ये है वो एकदम सिंपल साधारण सा इनका सेटअप। और यहाँ पे देख सकते हो ईंट का चूल्हा और भाई साहब लकड़ी के आँच पे फटाफट सब कुछ भुंज रहा है। और इस साइड पे देखोगे तो दादी जो है बनने के बाद लोगों को इस तरह से पार्सल बना कर दे रही है। तो फटाफट जो है अब अपना भी चिकन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गई जब जो है यहाँ पे अपना भी चिकन बनना स्टार्ट हो गया है, और यहाँ देख लो एक हड़िया में डाल दिया गया सरसों का तेल। तो गाइस यहाँ पे जो है 2-4 मिनट के अंदर अपना तेल काफी अच्छे से गर्म हुआ है, और इसमें डाल दिया गया कटा हुआ प्याज। और क्या डालेंगे अभी इसमें? और यहाँ पे अब इसमें डाल रहे हैं लहसुन और हरा मिर्चा कूचा हुआ। यहाँ पे प्रॉब्लम एक और है कि जो चाचा है थोड़े से जो है ऊंचा सुनते हैं। और इसमें जो है प्याज लहसुन और मिर्चा ये सब डालने के बाद देख लो कितने प्यार से जो है चाचा इसको चला रहे हैं, भून रहे हैं धीमे धीमे करके। और वैसे ये सारा खाना ना यहाँ पे देख लो लकड़ी पे बनता है। तेल थोड़ा सा कम लग रहा था क्या चाचा? हाँ चाचा, तेल कम था क्या? नहीं ठीक है। और गाइस यहाँ पे जो है ना 2-4 मिनट के अंदर सब कुछ भुन गया है, कलर वगैरह देख लो। और अब चचा जो है इसमें भाई साहब मुर्गा डाल रहे हैं। तो टमाटर भी साथ ही डाल दिए ना, गल जाएगा? गल जाएगा। कितना देर भुंजाएगा अभी ऐसे ही? अच्छा 10-15 मिनट। और गाइस यहाँ पे जो है मुर्गा टमाटर डालने के बाद मुश्किल से 1 मिनट हुआ है, और अब जो है ना इसमें फटाफट नमक डाल दिया गया। और मेरे को नहीं लगता कि ये जो है 10 से 15 मिनट के अंदर पकने वाला है, क्योंकि चाचा जो इसको बड़े प्रेम से धीरे धीरे बना रहे हैं। कितना देर में रेडी कर देते हैं मुर्गा चाचा? मुर्गा 20 मिनट। और अब इस पे जो है बढ़िया से भूनने के बाद लग चुका है ढक्कन। कितना देर बाद ये झपना हटेगा? कितना देर बाद झपना हटेगा? 20 मिनट कर बाद। 20 मिनट बाद? 20 मिनट में तो रेडी ना हो जाएगा? हाँ। जो लगाएगा वो कितना देर में हटेगा? हो जाएगा 10-15 मिनट में। 10-15 मिनट में? तो भाई वैसे जो है चाचा तो बोले थे कि 10-15 मिनट बाद हटाएंगे ढक्कन, लेकिन यहाँ पे जो ढक्कन 2-3 मिनट के बाद ही हट चुका है, और अच्छा हुआ है। नहीं तो देख लो यहाँ पे किस हिसाब से कलर वगैरह हो गया, थोड़ा देर और होता तो ये भाई साहब थोड़ा ज्यादा ही लाल हो जाता। A few moments later. तो गाइस यहाँ पे जो है एक बार और ढक्कन हटाया है, और भाई साहब ढक्कन हट रहा है, इसको भुना जा रहा है। और यहाँ पे जो ना मार्किंग वगैरह चेक करो, क्या बढ़िया सा चिकन के ऊपर आ चुका है। और चचा जो है टमाटर को भाई साहब कुछ दिए पकड़ के, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। और खुशबू लहसुन का तगड़ा सा आ रहा है, इसमें जो प्याज वगैरह पड़ा है उसका बढ़िया सा आ रहा है, और मुर्गे का भी बड़ा अच्छा सा सोना सोना धमक आ रहा है। अभी इसमें मसाला वसाला जाएगा? अच्छा और अब इसमें डालने वाले हैं मसाला, और डब्बा में भाई साहब पूरा भर कर मसाला है। क्या मसाला है चाचा? वो मिक्स मसाला है। अच्छा मिक्स मसाला है,
ऐसा मिक्स मसाला है, लेकिन इस साइड पे देख लो एक और भैया का जो है मुर्गा बन रहा है, और मुर्गे में जो है भाई साहब नमक डाला जा रहा है, और यहाँ पे चाचा और चाची दोनों जो है भाई साहब पूरा लगे हुए मेहनत कर रहे हैं मुर्गा बनाने के लिए। और अब इसमें स्वाद अनुसार जो है मसाला फेंक कर डाल दिया गया है। और अब इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी, क्योंकि भाई साहब ताव जो है ना तेज है, पानी नहीं जाएगा तो देख लो यहाँ पे मुर्गा जो है अपना चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। कब से जो है यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं, कितना साल हो गया? बहुत दिन से हो गया। बहुत दिन से। और कौन कौन दिन बैठते हैं? शनिचर और बुध। शनिचर और बुध पे यहाँ बैठते हैं। वाह भाई साहब, दो दिन यहाँ पे बैठते हैं। और कई बजे से बैठते हैं? अच्छा, 10 बजे। 10 बजे से? और कई बजे तक रहते हैं? शाम 8 बजे तक। अच्छा, 7-8 बजे तक रहते हैं। बहुत बढ़िया। तो भाई साहब ये हो गया इनका टाइम, और ये जो मिक्स मसाला डला है ना, इसके डलने के बाद भाई साहब खुशबू बड़ा बढ़िया सा मसालों का आ रहा है। मतलब ये जो मिक्स मसाला है ना बहुत बढ़िया सा है। और भाई यहाँ पे जो है ना मिक्स मसाला डलने के बाद, पानी डलने के बाद, देखो पानी जो है हल्का फुल्का सूखा है। और अब इसमें जो है भाई साहब चचा डालने वाले है एक और मसाला, जिसमें मीट का मसाला दिख रहा है। और भाई साहब ये क्या है, पीला वाला क्या मसाला है चचा? देखें, ये है भाई साहब गरम मसाला, बहुत बढ़िया। हल्दी डाल देते हैं। दोनों मसाला जो है इसमें चला गया है। अभी कितना देर और लगेगा चचा? 5 मिनट। 5 मिनट और लगेगा। तो यहाँ पे एक बार मुर्गा का रंगत वगैरह देखो, छोलनी पठाई तो मुर्गा के ऊपर, मुर्गा ऊपर कीजिए ना एक बार ऊपर। हाँ, ऊपर उठाइए पीस। तो ये देख लो भाई साहब क्या तगड़ा और खतरनाक और मसालेदार ये भाई साहब चिकन का लेग पीस दिख रहा है। अगर यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा उल्टा हो गया, चक्कर ये हुआ है कि चचा जो है इसमें हल्दी डालना भूल गए थे। मतलब मुर्गा अपना अच्छे से रेडी होने के बाद ना इसमें अब हल्दी गया है, और अब इसमें थोड़ा सा पानी जा रहा है। अब देखो भाई साहब कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि जिस एज में लोग आराम करते हैं उस एज में चचा कट रहे, तो ये ऊपर नीचे होना ना आम बात है यहाँ पे। तो गई जिसमें जो है ना हल्दी पाउडर डालने के बाद, पानी डालने के बाद ढक्कन लगा, 2-4 मिनट पकाया गया फिर से। और यहाँ पे कलर वगैरह देख सकते हो, पानी सूख चुका है। और अब इसमें डाल रहे चचा धनिया का पत्ता। मतलब ये चिकन हो चुका है अपना लगभग बनकर रेडी। अब थोड़ा रेट बताइए चचा, क्या रेट लेते हैं भुनने का? कोई चिकन लेके आता है तो 50। आधा किलो का? हाँ। किलो का 100। खस्सी मीट भी भुनते हैं? हाँ। सब बनाते हैं। देखो चाची उधर से बोल रही है सब बनाते हैं। तो खस्सी मीट कैसे लेते हैं? वही रेट। हर एक माल 100 रुपया भाई साहब। यहाँ पे जो है हर एक माल 100 रुपया है। मतलब 100 रुपये में चिकन मटन मछली ये सब जो है आपको यहाँ पे बनाकर मिल जाएगा। अच्छा एक बात पूछे चचा, 70 साल तो कम से कम उम्र होगा आपका? अगले साल 69 साल था। वही साल 70 हो गया। आपका जन्मदिन कब आता है? जन्मदिन बुला गए? अच्छा लिख के रखे थे चाची जो है, मुस्कुरा बोल रही है कि लिख के रखे थे। तो आप लोग जो है इतना उम्र में यहाँ पे खट रहे हैं, तो घरे में कोई और है कि? अच्छा, बाल बुतरू है घरे में? 4 गो। 4 गो तो फिर आराम नहीं करना चाहिए? 3 गो हाँ कीजिएगा। अभी चल सक रहे हैं तो कर रहे हैं। वाह तो भाई साहब देखो, ऐसा नहीं है कि चाचा जो है मजबूरी में कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक मेरा शरीर चल रहा है तब तक हम काम कर रहे हैं। और ये सोच जो है ना बहुत बढ़िया है। मतलब भाई साहब जो रुक गया वो मर गया, एक ही बात होता है। और अब चिकन ये हो गया कंप्लीट। भाई साहब लगवाते हैं इसको पत्ते पे, और आपको बताते हैं कि भाई साहब यहाँ पे जो हमारे बुजुर्ग चाचा चाची बनाए हैं ये मुर्गा, इसका स्वाद कैसा होने वाला है। तो गाइस अपना जो है चिकन बनने के बाद भाई साहब इस तरफ जो है एक सखुए के पत्ते पे दिया गया, और भाई साहब खूबसूरत सा पत्ता, उसके ऊपर खूबसूरत सा चिकन, और उसके ऊपर सबसे बड़ा खूबसूरत अपना लेग पीस। मतलब भाई साहब इतना खूबसूरत ये देख रहा है ना कि मन कर रहा है भाई एक ही झटके में सारा हम ख़त्म करने वाले हैं। और यहाँ पर एक बार आपको इसका क्लोज लुक देते हैं, पीस उठा कर दिखाते हैं। ये साइज चेक कर लो भाई, 100-150 ग्राम का तो अपने पास लेग पीस है, और बाकी यहाँ पर 2-3 पीस हमने रखा है, और बाकी जो बचा हुआ था वो चाची के हाड़ी में है जो चाची खाएंगी। और इस साइड पे जो है ना पका किस हिसाब से है चिकन वो देखते हैं। तो छोटा वाला टुकड़ा, और ये देखो मतलब भाई साहब सिर्फ हल्का सा इशारा से हमने इसको सरकाया, और चिकन उस हिसाब से टूट कर
हाथों में आ जा रहा है। देख लो क्या गजब का दिख रहा है, एक नंबर। तो गाइस किस हिसाब से बनाया गया और इसका क्लोज लुक हमने तो आपको दे दिया, अब जो है ना फटाफट इसका स्वाद आप तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले ये जो मसाला देख रहे हो यहाँ पे, मतलब एकदम गाढ़ा गाढ़ा जिसमें अच्छा सा क्वांटिटी प्याज वगैरह का है, तो ये उठाया हमने। थोड़ा सा और साइड से, ये रहा। मसाला काफ़ी ज़्यादा चटपटा, हल्का तीखा और टमाटर का फ्लेवर भी इसमें, मतलब टमाटर का जो खट्टापन होता है ना वो इसमें समझ में आ रहा है। मुर्गे का पीस उठाते हैं तो देखो ये वही वाला टुकड़ा है जो भाई साहब हमने आपको चेक कराया था। बहुत सही लग रहा है, मतलब मुर्गा इतने अच्छे से पका है ना कि मसाला का जो भी फ्लेवर है वो सब इसके अंदर चला गया, और इनमें से लास्ट में जो आपका गरम मसाला डाला और मीट का मसाला, उसका टेस्ट सबसे ऊपर है। बहुत सही लग रहा है, मतलब इसमें जो लहसुन वगैरह डाला है ना सही सा क्वांटिटी में, अदरक इसमें नहीं है, बाकी मिक्स मसाला का टेस्ट भी इसमें बड़ा अच्छा सा निखर कर आया है। थोड़ा थोड़ा गैप करके खाने से ना पोल्ट्री मुर्गा भी भाई साहब बड़ा मजा आता है खाने में, और बनाया सच्ची में बहुत अच्छे तरीके से गया है। धनिया पत्ता वगैरह जो लास्ट में ऊपर से छिड़का गया, बहुत सही है। टमाटर डालने से पता है क्या है, एक तो देखो मसालों का टेस्ट अच्छा हो गया, ग्रेवी थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, मतलब जो लटपट हो गया, और प्लस पोल्ट्री चिकन में तो भाई टमाटर हो सके तो जितना आप डालते हो ना उससे आधा एक टुकड़ा बढ़ाकर ही डालना। मीट थोड़ा सा कसा कसा टाइप का लग रहा है। अब ये बड़ा वाला पीस, लेग पीस देख रहे हो साइज, अब ये बीच में पका है कि नहीं वो देखना एक बार। तो ये देखो तो सेंटर पार्ट तक भी जो है ना अच्छे से पक चुका है, और लिटरली फ्लेवर जो है ना सभी चीज का बिल्कुल चिकन के अंदर तक गया हुआ, और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सब कुछ बिना टाइम गवाए फटाफट बैक टू बैक एक के बाद एक इसमें डाला गया। नमक बमक सब परफेक्ट है इसमें। एक चीज क्या है पता है, छिलका अगर रहता ना तो ये जो मसाला देख रहे हो आप जिस हिसाब से गाढ़ा गाढ़ा है इसमें लपेट लपेट के खाने में बड़ा मजा आता। होता क्या है देखोगे बाजार घर में ना कम मसालों में भी अगर कुछ पकता है तो जब लकड़ी पे बनता है ना, लकड़ी पे बनने के बाद भैया टेस्ट अपने आप इन्हांस हो जाता है, सोंधापन बड़ा बढ़िया सा आता है, और जो उसका हल्का हल्का एकदम धुआं इसके अंदर घुसता है ना, मतलब जैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में क्या होता है इसको स्मोकीनेस देने के लिए अलग से भाई साहब चारकोल वगैरह डाला जाता है, लेकिन यहाँ पे पहले से ही भाई साहब वो चीज़ होते रहता है, तो स्मोकीनेस जो होता है ना ग्रिल्ड वाला फ्लेवर वो इसमें बड़ा अच्छा सा आ रहा है। चिकन का साइज थोड़ा सा बड़ा था, अच्छे से पका है बोल के अच्छा लग रहा है खाने में। बहुत सही, अच्छे से सबसे बड़ा बात तो ये है कि इस उम्र में भी लोग जो है ना ऐसा काम कर रहे हैं, और उनका एक बात मेरे को बड़ा अच्छा लगा, जब तक हाथ पैर चल रहा है तब तक कर रहा है। मतलब जहाँ से बाइट ले रहे ना, जहाँ से मीट उखा रहे हो वहीं से बचा फ्लेवर भरा भर के निकल रहा है। टमाटर ना देसी वाला था, देसी टमाटर में होता क्या रस भरपूर रहता है, खट्टापन भी बड़ा बढ़िया सा होता है, तो उसका टेस्ट जो है ना
आपको इसमें बड़ा बढ़िया मिलेगा। हालांकि भले इनके टमाटर पे थोड़ा बहुत दाग था लेकिन टेस्ट अच्छा था, मजा आ रहा। बनाने का रेट वो भी जेन्युइन, क्योंकि इसी रेट में आपको चिकन भी बनाकर मिलता है, मछली लाओगे वो भी बन जाएगा, खस्सी का मीट इवन वो भी 100 रुपये में बनता है। बाद में हल्दी डाला तो मेरे को क्या लगा पता है, प्याज लगता है चिकन अपना डकैना होने वाला है। हल्दी बाद में डालने का कलर तो थोड़ा अच्छा सा दिख ही रहा है लेकिन हल्दी का कच्चापन जरा सा भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हल्दी डालने के बाद ना अच्छे से भुना है, उसके बाद थोड़ा सा पानी और दिया गया ताकि जो हल्दी डला है वो पक जाए। तो एक्सपीरियंस जो इनको भाई साहब बनाने का बड़ा बढ़िया सा है। और अभी बिहाइंड कैमरा बोल रहे थे कि लोग जैसा गाँव घर से होते ना, ये जो दादा दादी देख रहे हो, अंकल आंटी जो भी आप बोल लो, प्योर देहात से, मतलब चारों तरफ जंगल है और बीच में इनका घर है। और ये तरीका बिल्कुल वही का है, बोलते हैं हम लोग तो ये भी नहीं डालते मसाला, जो मिक्स मसाला है बस आधी लहसुन और यही सब कूच कर बन जाता है। जैसे जैसे खा रहे ना थोड़ा थोड़ा तीखा बढ़ रहा है। एक्चुअल में प्रॉब्लम इनका नहीं है, मेरे होठों का है, क्योंकि भाई साहब बाहर घूमते घूमते ये हवा से जो है ना पूरा फट चुका है। लेकिन ये सब जो है हमारे को खाने से नहीं रोक सकता। अब जो है ना ये लेग पीस में तो कुछ बचा हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत जो मसाला है इसको लपेटते हैं इसमें। और ये रहा अपना लेग पीस का लास्ट बाइट। तो फिलहाल यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट चिकन कर दिया खत्म, वीडियो करने वाले यहीं पे हैं। और आपसे बस हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी कुछ इस तरह का देसी स्वाद चखना चाहते हैं तो वीडियो में सारा डिटेल है, अंकल आंटी के पास एक बार आके इनके हाथ से बनवा कर जरूर खाना, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो मिलता है कल कुछ कहीं और कुछ इसी तरह का कुछ नया सा लेके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।